नमस्कार दगड़ियों, आजकल जो कोरोना महामारी चलनी चा और हमरा परदेश में रहन वाला हमरा बहन सभी घर बड़ू है ना, तो एक खुशी तो हुंच, लेकिन दगड़े दगड़े यानी विपदा आई चा कि हम ही खुशी को इजहार भी नहीं कर सकना था, किले कि वो इन बगत में आना छन घर कि जय बगत में घर का भी परेशान छन। और मिथे ई स्थिति ई परिस्थिति में बस अपनी एक कविता याद आंदी जो मैं आफक समय रखना चाहूं। देहरादून दिल्ली बसी गे संतान, या खुली ती बरी मां बुए हुई परेशान। शायद जो हमारा प्रवासी छन जो अब घर बड़ हुए गे ना, मैं उसे ये उम्मीद रख लो कि वो घर में अच्छे तरीके से रहन, और जतुक ऊंचे गढ़वाल से अपने पहाड़ से दूरी बनी हुई वही दूरी थे दूर कर दियावा और नजीक कह जावा। देहरादून दिल्ली बसी गे संतान, या खुली ती बरी माँ बुए हुई परेशान। बुबा बणु गुहेर बुए कने काम धाम, नौना बुआरी अंग्रेजी बना छी सुबेर शाम। कि बुबा का टूट्या यख दुई पाली का दांत, बुआरी बनी डार्लिंग सॉरी आई कांट। कि ए जाओ बौड़ी की तुम अपना पहाड़, वे बबू थे ना समझो कूड़ा कबाड़। कि बुए की चिरी धोती बुआरी बाणी धमाल, कने भूली गे तू छुछ माया कुमार। अर बुबा को दुलार माँ की ममता पछाण, त्यारा भी हूँ याची भारे तिल बिचितान, त्यारा भी हूँ याची भारे तिल बिचितान। ये मेरी जो गीत रूपी पीड़ा छे, जो मेरा ये कविता का अक्षर में जो मेरी ये उद्गार छे पहाड़ की, आप तक मिल पहुंचाई और भगवान बद्री विशाल को आशीर्वाद रालू, तो कोरोना जरूर हमारे हिंदुस्तान से दूर हो जालू। और कोरोना तो जाली, लेकिन आप लोग जो इबर संस्कार सीख गयो वहाँ सभी यूँ संस्कार थे बने के रखें, आप सफाई स्वच्छता बने के रखें, और जो कीप डिस्टेंस से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग से इबर चा, और तुम भले बनाए लिया लेकिन अपने मन बटे ये डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए सा। और कोरोना भागलू, और हमारा उत्तराखंड का सभी भयवन हैंसला ख्याला पूर्व भारतवर्ष एक दिन जन ब्याली राती दीप जलेने, तनी खुशियों का दीप भी एक दिन जरूर और बहुत जल्दी जरूर जलदा। तब तक आप अपने ख्याल रखें, अपने घर में रखें, और मित इबर
एक बखुर लेकयो छो, म्यार त बखरो में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी। धन्यवाद।